Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और Paper 1 faculty. So अभी recent में 9th of June को MPPSC assistant professor का exam हुआ था. Paper 1 जो आपका जर्नल स्टडी का है, no doubt यहाँ पर कुछ ICT के questions पूछे गए थे और कुछ आपके GK level के question थे. तो वो I tried my best कि इसका best solution मैं आप लोगों को दे पाऊँ और best answer कि मैंने fact को cross check करने का कोशिश किया है. फिर भी अगर आपको किसी पॉइंटर पे लगे कि मैम यहाँ पर हमें इसका आंसर ये लगता है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपका जीके के क्वेश्चन थे, आई ट्राइड कि आपका फैक्चुअल चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. ओके, तो आप सभी को पता है कि ये टाइमिंग्स है हमारे. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्जाम, दीज आर द टाइमिंग ऑफ अवर फ्री क्लासेस. 10 o'clock ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे एंड 11:30 है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे आपका यूट्यूब टाइमिंग्स है और ये आपकी ऐप टाइमिंग्स है. अगर आप इंग्लिश में स्पेशली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फ्री क्लास होती है 11 o'clock वेडनेसडे और फ्राइडे को. अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग UGC नेट कोर्स या फिर जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि Paper 1, जैसे आपको Paper 1 की भी कोई भी सेट एग्जाम है उसके आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है. और उसके साथ साथ अभी 18th of June को आप लोगों का एग्जाम है, वो भी आंसर की आपके साथ शेयर किया जाएगा. ये आंसर की है, मैंने भी देखो फर्स्ट टाइम ही ये आंसर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है? हालांकि मैं सिर्फ Paper 1 UGC नेट ही लेती हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था तो मैंने इस चीज को यहाँ पर सॉल्व किया और अकॉर्डिंगली आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको मैं आंसर्स दे पाऊँ. रेस्ट ऑफ ए स्कैनर के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. इसका PDF भी मैं वहां पे शेयर करूंगी. बट हाँ, एक चीज इस पेपर से आपको सीखने को मिलेगी कि जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा या सेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप अपने स्टेट के अंदर जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे फॉर कॉलेज लेवल, तो इस तरीके का पैटर्न आपको जर्नल पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है. मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को देख पाए. जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए ताकि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर पाऊँ. असिस्टेंट प्रोफेसर, आई होप स्क्रीन आप सभी को विजिबल है अभी. हाँ, चलिए. तो ये मैंने ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं इसमें आपका जो जर्नल पेपर है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ हम हाइड कर देते हैं. तो ये आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हो जर्नल स्टडी का ये ए आप लोगों का पार्ट है. टोटल 50 क्वेश्चंस थे जर्नल स्टडी से, बायलिंगुअल क्वेश्चन थे. मुझे जो ये क्वेश्चन पेपर मिला है वो आपका 50 क्वेश्चंस का हिंदी वर्जन के अंदर मिला है. इन द सेम वे शॉर्ट ऑफ मिस्टेक ईदर ऑफ प्रिंटिंग फैक्चुअल नेचर आ जाता है, देन आउट ऑफ इंडियन इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन विल बी ट्रेटेड एज स्टैंडर्ड. देखो ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर इन्होंने हिंदी को स्टैंडर्ड माना है, हालांकि NTA इसके अंदर इंग्लिश को कंसिडर करता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो पहले ये 18 से 35 होती थी और अभी ये आपका 18 से 45 के बीच में इसको बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के डैश राष्ट्रपति थे. तो शंकर जो दयाल शर्मा है वो कौन से राष्ट्रपति थे? नौवे राष्ट्रपति. निम्न में से किस साल 2023 का निशानेबाज के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये आपका आएगा ईशा सिंह को. बेटा कोई भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, ठीक है, इसमें GK वाला पार्ट भी है काफी, ICT वाला पार्ट भी है, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी और अकॉर्डिंगली आई विल वेरीफाई दैट, ठीक है? और मैं आपको वहां पर कॉमेंट सेक्शन में पिन भी करवा दूंगी, तो आज शाम तक एक बार कॉमेंट सेक्शन का पिन जो पार्ट है उसको जरूर देख लेना. नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पूफिंग, ईवड्रॉपिंग, स्नूपिंग और डिनायल ऑफ सर्विस. मेरे अकॉर्डिंग ईवड्रॉपिंग इसका आएगा, बाकी देखो कमीशन इसको क्या कंसिडर करता है. सो आई गेस बी इसका ज्यादा बेटर आंसर मुझे लगता है. क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इनमें से और क्या कहा जाता है? इनको प्लास्टिक मनी भी बोल दिया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक मनी भी बोल दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग अगर करना है तो क्या क्या जरूरत है आपको, ये बताइए. आपको मोबाइल बैंकिंग करनी है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में एक्यूरेसी अगर लेके आओगे तो अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेटा सहार को ही रट के गया है. अगर आपने मोबाइल बैंकिंग करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इंटरनेट डेटा वाला आपके पास एक बेसिक जो फैसिलिटी वाला मोबाइल फोन वो होना चाहिए. तो ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. तोमर के संस्थापक कौन था? तोमर का वीर सिंह देव, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया था? तो ये है विश्वनाथ सिंह। नंबर 9, घेला और बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये गौंड जाति के द्वारा मनाया जाता है और अक्षय तृतीय में ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? तो ये आ जाएंगे भवानी प्रसाद मिसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये जस्ट टेंटेटिव आंसर की है, इसका इनडेप्थ डिस्कशन तो मैं नहीं करूंगी, ठीक है, सिर्फ टेंटेटिव आंसर की है जो कि दी बेस्ट मुझे आंसर लगे। पिछले दशक में एमपी में कृषि की उच्च शिक्षा दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? नहीं के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमपी सेट में पूछे गए हैं, तो नहीं रहा है में कि देखो सिंचाई के बुनियादी ढांचा गांव से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, खेती के लिए बिजली भी रिलेटेड है और ग्रामीण सड़क, ये तीनों ही गांव के रिलेटेड पॉइंटर है, तो ये क्या है शहरी बुनियादी ढांचे का रिलेटेड इससे नहीं है। कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? तो ये क्या आ जाएगा पेसा। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आ जाएगा काशी प्रसाद पांडे। नंबर 14, NEGP ICT के अंदर ICT और ई गवर्नेंस में भी पढ़ते हो, किसने तैयार किया है? जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने NEGP प्लान, जिसमें अलग अलग मिशन मोड प्रोजेक्ट आते हैं। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट बताना, आधार कार्ड वेबसाइट जो कि आप यूज भी करते हो, तो ये क्या है UIDAI.gov.in आ जाएगा। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी को अपने पास संग्रहित कर लेती है, आपके मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट विजिटेड पेजेस क्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं कुकीज बोल देते हैं। 17, ये इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मुझे इसका कंफर्म्ड आंसर नहीं मिला है, तो आप इसको गूगल से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसके ना मिक्स आंसर मुझे मिले, भोजपुर भी मिला है, नेवड़ी भी मिला है, तो आपको इसका क्या आंसर लगता है क्वेश्चन नंबर 17 का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पथुवर्धन जिसने गुज्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? वो शैल वंश का आ जाएगा। क्वेश्चन 19, प्राचीन में दहाल का क्षेत्र कहाँ पे स्थित था? जबलपुर में। एमपी की किस विभूति को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें ये रमेश मुनीश्वर श्रीमती शांति परमार, ये सारे ही कंसीडर है, तो उपरोक्त सभी आएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी के किस जिले में आता है? शिवपुरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली एमपी की प्रथम महिला कौन है? इसके दो आंसर है बेटे, ठीक है, भावना ढेरिया भी है, मेघा परमार भी आ जाता है। अब जो भावना ढेरिया मेघा परमार है, अगर मैं टाइमर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करती हूँ, इनका 5 बजे के आसपास टाइम माना जाता है, इनका 8 o'clock के आसपास माना जाता है, तो एक सेकेंड दीजिएगा, इसका इनका माना जाता है 8 के, तो उसके हिसाब से बी आंसर जाना चाहिए, और बाकी डिपेंड करता है कि कमीशन किस कॉन्टेक्स्ट में लेता है, इसमें क्वेश्चन ड्रॉप करता है मल्टीपल आंसर देके या टाइमर के अकॉर्डिंग टाइप को ठीक करता है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब देखो ये अध्यक्ष बहुत ज्यादा पूछ रखे हैं इस पेपर के अंदर, नो डाउट जर्नल स्टडी का पेपर अच्छे लेवल का आता है, कॉलेज कैडर की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा सुमित्रा महाजन। 1857 की रानी अवंती बाई का संबंध किससे है? रामगढ़ से, ठीक है, कहाँ से है? रामगढ़ से। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? कवि प्रिया की। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि वृहदली के नाम से विख्यात है, इनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो ये आपके ईसुरी, गंगाधर, ख्यालराम इसमें आता है, गुण सागर इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? जो एक फिजिकल एंटिटीज है, जो आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सीपीयू को कर सकते हो, उसके साथ साथ मॉनिटर को कर सकते हो, देन इसके अंदर क्या आ जाएगा आप लोगों का? डिवाइस ड्राइवर है, जो कि हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। 1 byte किसके बराबर है? 1 nibble, 2 nibble, 3। 1 nibble किसके बराबर है? 1 nibble है आपका 4 bit के बराबर, 2 nibble 4 bit, और टोटल 4 bit, टोटल ये क्या बन गया आपका 8 bit है, तो 8 bit आप लोगों का 1 byte किसके बराबर है? 8 bit के बराबर है, इट मीन्स इसमें कितने निबल्स का यूज किया? 2 nibbles का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से ऐसे एल्गोरिथम शामिल है जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने में, ऑब्वियसली बात है मशीन लर्निंग का डेटा यूज किया जाता आज के टाइम पे, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसम है, ये भी ICT का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आता है आपका? साइबर क्राइम एक्टिविटीज आती है।
मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन व झाड़ियां पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी उत्तर भाग अर्ध जलवायु का क्षेत्र है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता, स्पष्टीकरण भी सही है। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? देखा आपने, 3 से 4 क्वेश्चंस देखे हैं अराउंड आपके, जो कि सही नहीं की बात करते हैं। गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों की जल विभाजक है, यस। करंबत ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, यस। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, यस। तो ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है। मुझे जो एक्यूरेटली जो मिला है एक्सप्लोर करने के बाद, सही नहीं, मुझे सी ऑप्शन मिला है। बाकी कोई डाउट लगे फील फ्री टू कनेक्ट इन द कमेंट सेक्शन। एमपी के शीत पलानी, गिधरी धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ये तांबा से आ जाएगा। जनवरी के महीने में एमपी के निम्न में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? तो यहाँ पे साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, उसके अंदर आप लोगों का क्या रहता है, तापमान औसत से ज्यादा रहता है। एमपी में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों ही, कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहन देना और ग्रामीण में रोजगार के अवसरों को प्रदान करना। 11-12 के आधार पर 2022-23 में मध्यम क्षेत्र में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय क्या पूछा है? शुद्ध आय तो ये आपका 65023 रुपीज है। नवाचार संचालित उद्यम संश्लेषिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार ने किसको लॉन्च किया? मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को। एमपी के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग्म में अधिक कोकरक कोयले का भंडार पाया जाता है? तो वो पाया जाता, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं आपके, सोहागपुर पेंच कन्हान के अंदर पाया जाता है। एमपी में ग्रीष्म ऋतु में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो ये आ जाएगा, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ आप लोगों की प्रवाहित, तो ये आपका आ जाएगा, नहीं पाई जाती पूछी है ना, तो ये आप लोगों का पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता। बीला बांध निम्न में से कहां पर है? सागर। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किसके साथ? सिंगापुर के साथ। एमपी भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कौन से साल हुई? 2022 में। 1 से 11 के बीच में एमपी में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस तरीके का, ग्रामीण में हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है लोग ना शहरों की तरफ गए हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या में क्या होगा, प्रतिशत घटा, और शहरी जनसंख्या में हाँ, शहरी जनसंख्या में प्रतिशत बढ़ा है। 11 की जनगणना के अनुसार एमपी में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड करिएगा, आपको अगर बेटर आंसर पता है, एक्यूरेट पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। 2023 की स्वच्छता, ठीक है, रैंकिंग में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए तो करंट अफेयर में आपको वीकली बेसिस पे करा भी था जो स्वच्छता रैंकिंग निकली थी, तो ये आ जाएगा आपका सूरत। एमपी की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी कौन है? सामान्य भी है, अन्य पिछड़ी जाति भी, और अनुसूचित जाति, तो सारे इसके आंसर आएंगे। एमपी में बॉक्साइट के संबंध में क्या कथन सही नहीं है? तो आपका ये वाला नहीं है, बिकॉज इसमें आपका उड़ीसा आ जाएगा, अराउंड 73-74% इसका पार्ट आता है। एमपी में ग्रिड से संबंध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा है? तो इसमें आपका आ जाएगा पवन ऊर्जा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एमपी की निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की गई है? तो वो है आपका संजय सरोवर परियोजना। तो ये था आपका एमपी सेट का पेपर 1 जर्नल स्टडी का। सो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। सो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, देन ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, कोई एज एस्पिरेंट है, तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका ये है फॉर मोर डिटेल्स। पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। सारी फीचर्स जैसे लाइव क्लासेस हैं आपका, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश बैचेस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपका स्टडी प्लान, एवरीथिंग विल बी ओवर देयर। एंड फॉर पेपर 1 आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, क्यूआर कोड के थ्रू जाके आप स्कैन करके आप परचेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके 50 में से यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, और किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट, सो दैट मैं उसको क्रॉस चेक कर पाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।